नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव के पहले असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर हुए भाजपा नेता, कही ये बात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार के मंत्री और विधायक अपने विरोधियों पर हमलावर हो गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भाजपा नेता आरे हाथ लेते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश मोदी और योगी का क्षेत्र है, इसलिए यहां हैदराबाद के सद्दुद्दीन ओवैसी की दाल गलने वाली नहीं है। मंगलवार को पंचायत चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में भदोही पहुँचे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत की। मौसम विभाग का यूपी में अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट। खबर लखनऊ से। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे यूपी में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बर्फीली पछुआ हवाओं के तीखे तेवर से गलन और बढ़ने का पूर्ण अनुमान है। कोहरे से यातायात बाधित रहा। दिल्ली से वाया कानपुर होते हुए हावड़ा जाने वाली करीब 2 दर्जन ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। यही हालात सड़क यातायात का था। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे थे। लखनऊ में मंगलवार शाम से लोग ठंड से ठिठुरने लगे थे। बुधवार सुबह हालात इतने बुरे थे कि गलन से उसका शरीर कांप गया। पूरा यूपी की सड़कें कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से सूनी पड़ गई। पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी, नहीं तो देना पड़ सकता 10 लाख का जुर्माना, जाने क्या है रूल्स। खबर लखनऊ से। देशभर में मकर संक्रांति की धूम है। लोग यह त्योहार आने से 5-6 दिन पहले पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम शहरों में लोग मकर संक्रांति पर सुबह शाम पतंग उड़ाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिना अनुमति के पतंग उड़ाना भी अपराध है? इसके लिए आप पर जुर्माना भी लग सकता। कानून के अनुसार पतंग उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस लेना जरूरी है। एयरक्राफ्ट एक्ट में इसका उल्लेख है। इस एक्ट के तहत पतंग, बैलून समेत उड़ाए जाने वाली सभी वस्तुओं के निर्माण, मरम्मत, उड़ाने के लिए लाइसेंस रखना जरूरी है। ऐसा ना करने पर 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा और दोनों का प्रावधान है। हालांकि पिछले साल सरकार ने एक्ट में संशोधन किया। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले करीब 100 आईएएस का रुक सकता प्रमोशन। खबर लखनऊ से। यूपी कैडर के 100 से अधिक आईएएस का प्रमोशन रोका जा सकता। सरकार के निर्देशों के बावजूद आईएएस अफसरों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इस संबंध में सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने योगी सरकार को पत्र भी भेजा, जिसके बाद अब राज्य सरकार सख्ती करने पर विचार कर रही है। इसके तहत आईएएस जब तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तब तक उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस बारे में मुख्य सचिव भी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो ब्यौरा नहीं देगा उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। गजब, गन्नों को छोड़कर अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे किसान, 6 महीने में ही हुआ मोटा मुनाफा। खबर है मेरठ से। सुगर बाउल कहे जाने वाले वेस्ट यूपी में गन्ना किसान लगातार मिलों पर बकाया राशि को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। वहीं सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कई सुगर मिल किसानों की बकाया राशि का भुगतान समय से नहीं कर रही, जिसके चलते कई किसान अब गन्ने की खेती छोड़कर अन्य फसल को उगा रहे हैं। इस बीच अब मेरठ के किसान गन्ने की खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी उगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान अब केवल गन्ने और सब्जियों तक ही सीमित नहीं है, तरह तरह की खेती कर लोग अब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके चलते अब किसान का रुझान स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बनेगा खिलाड़ी कल्याण ट्रस्ट, 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन होगा पूरा। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अच्छे खिलाड़ियों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश खिलाड़ी कल्याण ट्रस्ट का गठन करने जा रही है। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 1-2 दिन में पूरा कर ली जाएगी। कमेटी में 4 या 5 सदस्य शामिल होंगे। ये खेल विभाग, शासन और खेल संघ से जुड़े होंगे। ट्रस्ट में सरकारी और एक खेल संघ का प्राधिकारी भी होगा। दरअसल राज्य सरकार स्पोर्ट हॉस्टलों और स्पोर्ट कॉलेजों के जरिए खिलाड़ियों की सहायता करती है। नए ट्रस्ट के जरिए प्रदेश के हर खिलाड़ी की आर्थिक सहायता की जाएगी। ट्रस्ट के कोष के लिए विभिन्न माध्यमों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार भी हर साल कोष में कुछ पैसा जमा करेगी। खिलाड़ियों को आर्थिक मदद लेने के लिए सरकार द्वारा गठित किए गए ट्रस्ट में आवेदन करना होगा। गरीबों के लिए योगी सरकार शुरू कर रही है नई योजना, सस्ते में मिलेंगे शादी विवाह का घर। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में छोटे शहरों यानी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में रहने वालों को अब अपने बच्चों की शादी या फिर अन्य छोटे आयोजन के लिए लॉन या व्यक्तिवास हॉल मोटे किराए पर नहीं लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन्हें उसके आसपास ही कम किराए पर इस सुविधा को उपलब्ध कराएगी। नगर विकास विभाग इसके लिए जरूरत के आधार पर शादी विवाह घर बनाने जा रहा है। इस नई योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-2022 के बजट में
टोकन मनी के रूप में 50 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपने पहले कार्यकाल के आखिरी बजट में सरकार इसके लिए अनुदान की घोषणा कर सकती है। सरकार 18 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी, जिसके तहत यह सुविधा होगी। इसके अलावा सरकार इस बार 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर कानून की पत्तियां जलाई। खबर है नई दिल्ली से। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 49वें दिनों से जारी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून को अमल में लाने पर पाबंदी लगा दी है, साथ ही एक कमेटी का गठन किया गया, मगर किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी दिखाई है। उनके द्वारा सुनाए गए फैसले को सिर से नकार दिया। किसानों का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए समिति के समक्ष किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते। लोहड़ी के मौके पर किसानों ने कृषि कानून के विरोध स्वरूप सिंधु बॉर्डर पर कानून की पत्तियां जलाई। किसानों का कहना कि यह पहली बार है कि लोहड़ी के अवसर पर किसान कृषि बिल की पत्तियां जलाकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को किसानों की परवाह नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2020, सपा ने घोषित किए 1 नए 2 उम्मीदवार, सभी दलों के कान हुए खड़े। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2021 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार सुबह तक किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। सभी दल तैयारी में जुट गए हैं, कोई भी किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुधवार सुबह प्रदेश कार्यालय में विधायकों संघ बैठक के बाद यूपी के विधान परिषद चुनाव 2021 में अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। समाजवादी पार्टी से 2 नामों के ऐलान के बाद मुकाबल दिलचस्प हो गया। सपा सुप्रीमो ने यह भी तय कर दिया है कि दोनों सपा प्रत्याशी के प्रस्ताव कौन कौन रहेंगे। केजरीवाल का दावा, अगर केंद्र से मदद नहीं मिली तो भी दिल्ली वालों को फ्री में देंगे कोरोना वैक्सीन। खबर है नई दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन मुफ्त नहीं देती है तो हम दिल्ली वालों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे। केजरीवाल के अनुसार ऐसा होने पर दिल्ली सरकार अपने खर्च पर जनता को फ्री वैक्सीन मुहैया कराएगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे लोगों से अपील करते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी न फैलाई जाए। सीएम ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि सभी को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाए। अब अगर केंद्र सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है, वह ऐसा नहीं करती है, तो भी दिल्ली के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। फेसबुक ट्विटर के बाद अब यूट्यूब ने ट्रंप को दिया झटका। वीडियो हटाते हुए दी चेतावनी। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में अपने समर्थकों को हिंसक हमले के लिए उस्काने के आरोप के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने लगी है। जहां एक और अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी ने महाभियोग को लेकर प्रस्ताव पेश किया, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब ने ट्रंप को कड़ाका झटका देते हुए उसके चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके नए वीडियो को हटाते हुए उन्हें हिंसा भड़काकर कंपनी की नीतियों के उल्लंघन के लिए चेतावनी जारी किया है। सपनों का आशियाना बनने से पहले जान लिए खबर, नहीं तो पड़ेगा पछताना। खबर है मुजफ्फरनगर से। ये खबर आपको हैरान कर सकती है और अगर आप अपने सपनों का आशियाना या व्यावसायिक भवन का निर्माण कर रहे हैं तो भी ये खबर आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि मुजफ्फरनगर पुलिस ने मंगलवार को देर रात एक नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के नकली सीमेंट बैग बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र के शेर नगर जानसर रोड का है, जहां पुलिस ने मुख्य बीर की सूचना पर छापेमारी करते हुए एक नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से अल्ट्राटेक, एसएससी, बेरला सीमेंट, कई ब्रांडेड कंपनी के 2000 सीमेंट के नकली कट्टे सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरक्षण पर अजय लल्लू ने दिया बड़ा बयान, भाजपा को घेरा। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम समाज में विमंसता नहीं फैलाना चाहते, अपितु संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों में कोई लूट खसोट भी नहीं चाहते। हम अपने संवैधानिक अधिकारों को लेने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करके संविधान को कुचलना चाह रही है। निजीकरण के माध्यम से संविदा पर सचिवालय चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार के सभी उपक्रम बेचकर उन संस्थाओं के बेचा जा रहा है जिनका समुचा वर्गों के कल्याण से सीधा संबंध है।
ताज महोत्सव को भी लगी कोरोना की नजर। महामारी के चलते रद्द किया गया आयोजन। खबर है आगरा से। कोरोना महामारी के चलते सरकार के गाइडलाइंस के बीच जिला प्रशासन ने 30 साल में पहली बार ताज महोत्सव के आयोजन पर रोक लगा दी है, जिससे न सिर्फ जहां व्यापारियों को झटका लगा बल्कि आम लोग भी निराश हैं। बता दें कि हर वर्ष 18 से 27 फरवरी के बीच चलने वाले 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन इस बार नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने ताज महोत्सव के आयोजन को रद्द कर दिया। पर्यटकों के साथ इससे व्यापारियों को भी काफी नुकसान होगा, क्योंकि इस 10 दिवसीय आयोजन से व्यापारियों को सबसे अधिक फायदा मिलता रहा है। दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा। नॉर्थ एमसीडी ने होटल और रेस्टोरेंट में बैन किया चिकन और अंडा। खबर है नई दिल्ली से। देश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जहां वैक्सीन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होने जा रहा है, वहीं बर्ड फ्लू संक्रमण का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट और इससे निपटने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उतरी नगर निगम ने इस संकट को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल नगर निगम ने होटल और रेस्टोरेंट में चिकन और अंडे सर्व करने पर रोक लगा दी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।